हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्टली वेलकम करता हूं। हमारी अभी तक जो सीरीज चल रही थी टेंस की, उस टेंस में हमने प्रेजेंट टेंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब उसके आगे हम उसी सीरीज को फिर कंटिन्यू करते हैं और उसमें लेकर चलते हैं पास्ट इनडिफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट किया जा चुका है। आज उसके आगे हम बढ़ेंगे कौन सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। हम काहे का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, पास्ट इनडिफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए पास्ट इनडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस के नियम क्या हैं और ट्रांसलेशन करने के कौन से तरीके, किस तरीके का फॉलो करके, किस तरीके को अपना कर, किस नियम को अपना कर पास्ट इनडिफिनिट टेंस की निगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन बनाते हैं। आइए अब इसको पढ़ा जाए और नोट किया जाए। इसका रूल है, पहला रूल, आप सभी लोग साथ में इसको नोट करते चलिए, ठीक है ना। निगेटिव का रूल क्या है कि इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ। अब एक चीज फिर समझ लीजिए कि सभी कर्ता मतलब चाहे सिंगुलर नंबर के हो चाहे प्लूरल नंबर के हो, सभी कर्ता आ गए। यहां पर सहायक क्रिया अलग अलग नहीं होगा, चाहे एक वचन का कर्ता होगा उसके साथ भी वही सहायक क्रिया लगेगी, और जो प्लूरल नंबर बहुवचन का कर्ता होगा उसके भी साथ वही सहायक क्रिया लगेगी। कौन सी? सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? डिड। क्या लगाते हैं? डिड नॉट का प्रयोग करके, का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब इसका फार्मूला देख लीजिए, इसी फार्मूला के हिसाब से ही हम ट्रांसलेशन करते हैं। हमारा है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हमारा है फार्मूला। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके क्या एग्जाम्पल को, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल ट्रांसलेशन करने के तरीके। चलो देखो एक बार इस नियम को पढ़ करके ट्रांसलेशन करने की विधि समझी जाए। हैं, कहता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस नियम है कि इस टेंस के नकारात्मक वाक्यों में सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? डिड नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फार्मूला है हमारा, सबसे पहले क्या ढूंढेंगे ट्रांसलेशन करते समय? कर्ता सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट सहायक क्रिया लग जाएगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी अवस्था लगती है? फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। अब एग्जाम्पल देखिए, उसने, अब सब लोग पहले बैठ जाओ एकदम, अब लिखो ना, हेलो, अरे देखो इधर, अगर समझ में आ जाएगा तो अपने आप करने लगोगे। उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। वाक्य क्या है? उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया। अब सबसे पहले ट्रांसलेशन करना, हम सबसे पहले क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले क्या पहचानते हैं, वाक्य किस टेंस का है, कि जो हमारा दिया हुआ सेंटेंस है ये हमारा सेंटेंस किस टेंस का है। अब ये बताओ कितने लोगों को पता चल रहा कि ये वाक्य किस टेंस का है? हाथ नीचे करो। कैसे जान गए भाई ये लिखा है? इस वजह से जान गए क्या? इसकी पहचान क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है?
कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या है, ता था, ती थी, ते थे, आ, ई, ए, ये तो आए। कहता उसने अपना अपराध कबूल नहीं किया, आया कि नहीं आया। तो जहां पर ये पहचान आ जाए, जहां पर अंतिम में इन शब्दों का प्रयोग हो जाए, तो समझ लेना वाक्य हमारा है पास्ट इन। अब ट्रांसलेशन करें, सबसे पहले क्या ढूंढे, सब्जेक्ट क्या है, काहे माने उसने, ही काहे माने ही, कर्तक बाद क्या लगा दें, डिड नॉट, ही डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद क्या ढूंढे, अब वर्ब काम, काम कौन सा हो रहा है, कबूल करना, काहे माने अपराध कबूल करना, एक्सेप्ट नहीं होता, स्वीकार करना, जब आप कोई चीज देते तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, वहां पे एक्सेप्ट लगता है। अपराध के बारे में कबूल करने के लिए क्या लगाएंगे, कन्फेस, क्या लगाते हैं, कन्फेस, तो ही डिड नॉट कन्फेस, ही डिड नॉट कन्फेस, उसने नहीं कबूला, क्या नहीं कबूला, अपना अपराध, तो ही के साथ अपना की अंग्रेजी, हिज अपराध, जी यू आई एल टी, गिल्ट माने अपराध, गिल्ट माने अपराध, समझ में आया नहीं आया। और देखिए अगला वाक्य, बच्चों ने अपना पाठ याद नहीं किया, बच्चों ने अपना पाठ याद नहीं किया। अब इस वाक्य में भी पहचान तो ही आ गई ना, कि अंत में क्या आया, आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, ता था, ती थी, या ते थे, तो कौन सा टेंस, पास्ट इन डेफिनेट टेंस। ट्रांसलेशन करने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढे, सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में, सब्जेक्ट बताओ, जल्दी बताओ, बच्चों का है माने बच्चों, आए चिल्ड्रन की चाइल्ड, चिल्ड्रन सी एच आई एल डी आर ई एन, अब चिल्ड्रन में बताओ यस लगाएं कि ना लगाएं, तू ही बताओ, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि चिल्ड्रन खुद हमारा क्या है, चिल्ड्रन, हाँ गुड। अब चिल्ड्रन के साथ देखो, यहां पर एक वचन है सहायक क्रिया डिड नॉट, तो बहुवचन के साथ सहायक क्रिया, चाहे एक वचन होगा चाहे बहुवचन होगा, सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया, समझ में आ रहा, तो हमारा हो जाएगा चिल्ड्रेन डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद क्या ढूंढे, वर्ब, यहां से एक एक चीज ढूंढते चलो, अपने आप ट्रांसलेशन हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है, है ना। तो डिड नॉट के बाद काम, काम कौन सा हो रहा है, काहे माने लर्न, तो चिल्ड्रेन डिड नॉट लर्न, बच्चों ने नहीं याद किया, क्या नहीं याद किया, अपना पार्ट, तो बच्चे एक हैं कि बहुत से हैं, तो अपना की अंग्रेजी देयर, क्या हो जाएगा, देयर टी एच ई आई आर, देयर लेसन, तो हमारा बन गया चिल्ड्रेन डिड नॉट लर्न देयर, कोई दिक्कत, एकदम क्लियर हुआ, एकदम हुआ, कि एक और दिया जाए, हैं बिटिया तुम बताओ, समझ में आ गया, एक और दे दिया जाए, चलिए देखिए अगला वाक्य है, हमने कल रात यह फिल्म नहीं देखी, हमने कल रात यह फिल्म नहीं देखी, तो इस वाक्य में भी पहचान सेम आ गई ना, आ जाए, ई आ जाए, ए आ जाए, वाक्य के अंत में, तो देखी ई आया कि नहीं आया। अब इसका जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या ढूंढे हम, सब्जेक्ट क्या है, काहे मींस वी, और वी एक वचन है कि बहुवचन, तो सहायक क्रिया, हाँ चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में सहायक क्रिया, तो वी डिड नॉट। अब डिड नॉट के बाद क्या ढूंढा जाए, वर्ब, काम, काम कौन सा हो रहा है, काहे मींस सी, वी डिड नॉट सी, हमने नहीं देखी, ऑब्जेक्ट क्या नहीं देखी, कौन सी, यह फिल्म, तो वी डिड नॉट सी दिस फिल्म, और अदर वर्ड कब नहीं देखी,
कल रात के लिए लास्ट नाइट, यस्टरडे नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लास्ट नाइट मतलब पिछली रात। अच्छा, कल रात का मतलब क्या? पिछली रात। इतना समझ में आया? एकदम आ गया? बताओ, अगर फिर भी दिक्कत है तो आप बताइएगा। और एक वाक्य हम दे रहे हैं आप लोगों के लिए भी, और जो देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियो उनके लिए भी, करके आप लोग दिखाओ, कर पाते हो तो ठीक, नहीं उसको भी समझाते हैं। चलिए वाक्य नोट कीजिए, वाक्य क्या है? वाक्य है, उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई। ये वाक्य है, इसका ट्रांसलेशन आप सभी लोग करके दिखाइए। ये वाक्य, उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई। कितने लोगों का सही था? गलत, किसी का भी सही नहीं था। कुछ लोगों में थोड़ी थोड़ी गलतियां थी, लेकिन गलती तो गलती है। तो इसके पहले हम आइए इसके नियम को जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? इसके नियम को जान लेते हैं कि ये इसका ट्रांसलेशन करने का, अनुवाद बनाने का नियम क्या है। तो इसका नियम देखिए, आवाज ना करो, पहले समझ लो उसके बाद। इसका नियम है, नोट करके डाल लीजिए, नियम नंबर फर्स्ट। यदि निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं शब्द का प्रयोग किया गया हो, आपको एक एक नियम, कोई नियम छूटने नहीं पाएगा। कि अगर कोई पूछ ले तो फिर ये ना बता पाओ कि सर ने तो सिर्फ एक बताया था और नियम बताया ही नहीं। तो एक एक नियम आपका आपके पास होगा, कि कोई पूछे, कहीं से पूछे, आप सीधा उसको क्या दीजिए? आंसर दीजिए। नियम है कि यदि निगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो तो डिड नॉट का प्रयोग ना करके नेवर NEVER नेवर का प्रयोग करते हैं, नेवर का प्रयोग करते हैं, तथा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसको लिख लीजिए, फिर हम आपके इसके नियम समझाते हैं। जल्दी से इसको लिखो, ये नियम जल्दी से लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है, जल्दी लिखिए इसको। इसको लिख लिया नियम, ये लिखा। अब देखिए फार्मूला, सब्जेक्ट लगेगा प्लस नेवर, और नेवर के बाद हमारा लग जाएगा क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। वाक्य हमने क्या दिया था? उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई। अब यहां पर देखिए कि उन्होंने कभी कोई चीज नहीं चुराई, तो क्या आ गया? कभी नहीं आया कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? और टेंस भी चुराई आ है, ई है, ए है, टेंस भी आ रहा पास्ट इन डेफिनेट का आ रहा ना। तो अब सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या है सब्जेक्ट? काहे मींस, दे मींस उन्होंने, काहे मींस, तो हो जाएगा दे। अब दे के साथ अगर कभी नहीं ना होता, सिर्फ नहीं होता, तो डिड नॉट लगा देते, लेकिन कभी नहीं लगा है तो क्या लगेगा? नेवर, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हो जाएगा दे नेवर।
और नेवर के बाद क्या ढूंढे? वर्ब की सेकंड फॉर्म काम कौन सा हो रहा है? काहे मींस स्टील, स्टील का सेकंड फॉर्म स्टोल, तो दे नेवर स्टोल क्या कोई चीज नहीं, काहे मैंने कोई चीज एनी थिंग, एनी थिंग। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कम आया है। अगला वाक्य देखिए, इसको अच्छा करो। सूर्य कभी पश्चिम में नहीं निकला, सूर्य कभी पश्चिम में नहीं निकला, इसका ट्रांसलेशन जल्दी से करके बताइए। कहता है सूर्य कभी पश्चिम में नहीं निकला, आधे से ज्यादा लोगों का सही था और आधे से कम लोगों का, ठीक है ना, हमारे उधर बच्चियों का तो सबका सही था लगभग लगभग, सिर्फ ये जो ज्यादा बातें करती हैं इन्हीं का गलत है। कह रहा है सूर्य कभी पश्चिम में नहीं निकला, यहां पर भी देखिए क्या कौन सब लग गया, कभी नहीं। और दोनों एक साथ नहीं मिलेगा, इसी तरह मिलेगा दूर दूर या कहीं कहीं, कभी नहीं एक साथ भी मिल जाता है, ठीक है। तो अब इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले क्या ढूंढे, क्या है सन, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, द सन, क्या लग जाएगा, द सन, है ना। संसार की अद्वितीय चीजों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते, सन है, मून है, अर्थ है, तो इसके पहले क्या लग जाएगा, द सन। उसके बाद कर्तक बाद क्या लगा दोगे, क्लियर, द सन नेवर, नेवर, नेवर के बाद अब क्या ढूंढे, वर्ब काम, काम कौन सा हो रहा है, निकलने का है, माने निकलना। राइज का सेकंड फॉर्म होता है रोज, क्या होता है सेकंड फॉर्म, फॉर्म आप लोग याद कर डालिए, नहीं याद कर पाओ तो हमको बताओ, हम 10-20 फॉर्म लिख दें, सब कुछ हम ही कर दे, तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ बातें करना है, है ना। द सन नेवर रोज, कभी नहीं निकला, और ऑब्जेक्ट कहां कभी नहीं निकला, पश्चिम में, तो हो जाएगा इन द वेस्ट। एक चीज और ध्यान दे दो यहां पर भी, अगर दिशा के पहले प्रीपोजिशन लिखा होगा, ध्यान देना, दिशा के पहले प्रीपोजिशन होगा तब तो आर्टिकल दिशा के पहले लगेगा, और अगर प्रीपोजिशन नहीं होगा तो आर्टिकल का प्रयोग दिशाओं के नाम के पहले नहीं होता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया। अब एक वाक्य हम और दे रहे हैं, उसको देखते हैं कौन करके दिखाता है, है ना। एक वाक्य और दिया जा रहा है, उसको देखते हैं कौन करके दिखाता है। अब वाक्य है ये, यहां पर दे रहे हैं, फिर इसका भी नियम है कि मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर सका। अब देखते हैं इसको कौन करके दिखाता है, इसको जल्दी से करके इसको भी दिखाइए, ये रूल नंबर थर्ड हो जाएगा। किया किसी ने इसको, सही था किसी का? अब चलिए अच्छा, पहले इसको जल्दी से, इसके पहले वाले दो नियम के नोट कर लिए कि नहीं है? आप लोग भी नोट कर लीजिए और आप लोग भी नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका फिर अपना एक नियम, या यहाँ पे जो नोट आपने डाला है, नोट ना डाल करके डाल दीजिए रूल नंबर टू, क्या डाल दीजिए, रूल नंबर टू। तो एक नियम पहले वाला था ये नियम, रूल नंबर टू ये नियम, है ना, कभी नहीं आ जाए, और एक नियम आपका बन जाएगा याद नहीं कर सका, इसका एक नियम बन जाता है। तो इसको नोट कर लिया, तो चलिए जल्दी से हम मेट करके इसका रिमूव करके अगला नियम लिखते हैं, कि किस नियम से वह अपना पाठ याद नहीं कर सका, इसकी ट्रांसलेशन मानी जाए। चलिए अब इसका होगा रूल नंबर थर्ड, जो हमने वाक्य बोला, पहले नियम समझ लीजिए फिर वाक्य देते हैं, कि देखो यदि इस सेंटेंस के नकारात्मक वाक्यों में
नकारात्मक वाक्यों में सका सकी का प्रयोग हुआ हो तो कर्ता के बाद कर्ता या सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। हमने वाक्य क्या बोला था? वाक्य क्या था? मैं कल अपना पाठ याद नहीं कर सका। अब ये नियम लिख लिया है, नियम लिख दिया गया, अब कर डालोगे हैं? फिर भी गलती हो जाएगी। एक चीज ध्यान देना कि अगर सका सकी सके आ जाए और पास्ट टेंस में हो, अधिकतर पास्ट टेंस में ही होता है, पास्ट टेंस में सका सकी के लिए हम काहे का प्रयोग करते हैं? कुड नॉट का। निगेटिव में काहे का? कुड नॉट का। और अगर प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा तो कैन का आएगा, कैन का। पास्ट टेंस में सका सकी के लिए कुड का, पहली चीज। और एक चीज जो तुम्हारी हल थोड़ी सी गलती थी, पास्ट टेंस में कल के लिए कौन सी स्पेलिंग लगाते हैं? यस्टरडे। क्या लगाते हैं? यस्टरडे। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम ढूंढे सब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? काहे मीन्स आई, और आई के बाद सब्जेक्ट मिल गया, आप क्या लगा दें? क्या लगा दें? कुड नॉट। हमारा हो गया आई कुड नॉट, और कुड नॉट के बाद अब क्या ढूंढे? काम। काम कौन सा हो रहा है? याद करना। काहे मीन्स याद करना, लर्न। तो आई कुड नॉट लर्न, मैं नहीं याद कर सका। ऑब्जेक्ट क्या नहीं याद कर सका? अपना पार्ट। तो अपना पार्ट माई लेसन, और अदर वर्ड कब नहीं याद कर सका? कब? यस्टरडे। तो कल के लिए होता है वाई ई एस टी ई आर डी ए, यस्टरडे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। एक वाक्य और देते हैं, उसको करके दिखाओ। वाक्य है, वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके। वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके, इसको कीजिए। अब आइए इसको देखते हैं कि वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके, इसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा। मेहनत करो दोनों लोग, है ना? कहना वे सोमवार को दिल्ली नहीं जा सके। सबसे पहले ट्रांसलेशन करने के लिए हमने देखा कि वाक्य अंत में सका है, सकी है, सके आ गया, तो वाक्य हमारा बन गया पास्ट इन इंडिफिनिट। इतना समझ में आ गया? अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य और सका सकी सके लगा है तो सहायक क्रिया के रूप में क्या लगाएंगे? क्या लगा देंगे? कुड नॉट। तो ट्रांसलेशन करें, सबसे पहले क्या ढूंढे? फार्मूला देखो, क्या ढूंढे? क्या है? दे, वे है ना, तो वे का है माने दे। अब दे के साथ बताओ क्या लगाएं? सका सकी सके के लिए क्या लगेगा? कुड नॉट। दे कुड नॉट, इतना क्लियर हुआ। कुड नॉट के बाद अब क्या ढूंढे? काम कौन सा हो रहा है? काहे माने गो। तो दे कुड नॉट गो, वे नहीं जा सके। कहाँ नहीं जा सके? दिल्ली।
जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की बात होती तो प्रीपोजिशन क्या होता है, टू, गो टू दिल्ली। वो कब नहीं जा सके, सोमवार को। तो फिर यहाँ पर देखिए, जब दिन आ जाए तो इसके भी पहले एक प्रीपोजिशन लगता है, ध्यान रखना। प्रीपोजिशन क्या लगता है, आन लगता है। क्या लगता है, आन। तो दे कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन मंडे। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के जितने भी नियम थे कन्फर्म हो गए। अगर कोई पूछेगा अब आप लोगों से बता पाओगे एकदम, और जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी बताइएगा। अगर अभी भी कहीं पर दिक्कत है तो आप अपनी समस्या को टाइप करके मैसेज में भेजिए, आपकी समस्या दूर की जाएगी, हैं। और उसके बाद आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, अगले दिन फिर एक नई क्लास लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।